शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतींद्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतींद्रिय सुख के अनुभवी भव। दुनिया में जब कोई उस सागर के अंदर चला जाता, जो दुनिया में सागर होता, तो उसको अंदर हीरे मोती मिलते सागर के, है ना, बहुत रतन मिलते या बहुत ब्यूटी होती, शांति होती। लेकिन वहाँ टिके रहने के लिए उस आत्मा को कुछ मेहनत करनी पड़ती। जैसे वो सांस नहीं ले पाते तो लाइफ सपोर्ट लेकर वहाँ जाते, और फिर वो वहाँ पर उनको बैलेंस बना कर रखना पड़ता ताकि वो उस वातावरण में टिक कर उसका अनुभव कर सके। ऐसे ही बाबा कहते, ज्ञान सागर बाप की गहराई में जाने से अतींद्रिय सुख के रतन मिलते। लेकिन उस गहराई में जाने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना पड़ता वो है शुभ चिंतन। जितना हम शुभ चिंतन, बाबा के ज्ञान का चिंतन, बाबा के गुणों का चिंतन करते, उस आधार से हम ज्ञान सागर में समाए रह सकते। और फिर उस ज्ञान सागर में समाए रहने से हमें अनुभव के मोती मिलते, अतींद्रिय सुख के मोती मिलते। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाए हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाए रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतींद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। लेकिन टूल क्या है, विधि क्या है? शुभ चिंतन। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ। एकांतवासी माना एक के अंत में वास करने वाले, एक बाबा के गुण, एक बाबा की महिमा, एक बाबा की शक्तियाँ, एक बाबा के स्वरूप में ही अपने आप को बिल्कुल मगन कर लेना, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। मन बुद्धि को समेट कर एक बाबा पर एकाग्र कर लेना, और फिर बाबा के ही गुणों का, बाबा की ही महिमा का, बाबा के ही संबंधों का चिंतन कर शुभ चिंतन के आधार से बाबा में समाए रहना। और जब वैसे समाए रहते तो फिर अनुभव रूपी मोती, अतींद्रिय सुख के झूले में झूलते, सदा हर्षित रहने का अनुभव करते।